ये यातायात महा एक सांकेतिक है, ये हमारा अभियान लगातार चलता रहेगा और हम इसमें लगातार जो है कोशिश करेंगे कि महाराजगंज जिले में दुर्घटनाओं में कमी आए तथा मृत्यु दर हमारी बहुत कम हो जाए। इसके लिए हम तमाम नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, स्कूल में बच्चों के माध्यम से एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जिस तरह लोग मोबाइल के प्रति जागरूक हुए हैं, जिस तरह लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं, उसी तरह से हम लोग चाह रहे हैं कि लोग जो है इसका महत्ता को समझें और यातायात के नियमों के प्रति जागरूक हो सके। व्यक्ति ये समझे कि पुलिस जो यातायात के नियमों का पालन करा रही है वो उसकी जीवन के लिए जीवन अमूल्य है। वो अपने घर का इकलौता व्यक्ति है, कमाऊ व्यक्ति है और उसकी मृत्यु जो है बहुत बड़ा उसके घर पर प्रभाव डालती है। हम मृत्यु दर तक कम करने के लिए हर तरीके के सभी संभव प्रयास कर रहे हैं। यातायात माह में जो है हमने कई जागरूकता अभियान चलाए, ये लगातार चलते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि यहाँ यातायात सुगम और सुरक्षित होगा, दुर्घटनाओं में कमी आएगी, मृत्यु दर में कमी आएगी। सर यूथ की बात करें तो यूथ सर हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने परहेज करता है, वहीं जो यंग एज के लोग हैं वो हमेशा सीट बेल्ट और हेलमेट लगा करता है, यूथ के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए ये भी एक कुप्रथा है, लोग कानून तोड़ते थे, बहुत सारी जो है समाज में इस तरह कुप्रथा थी, बाल विवाह था, सती प्रथा थी। जब लोग जागरूक हुए, महिलाएं जागरूक हुई तो सती प्रथा खत्म हो गई, बाल विवाह प्रथा खत्म हो गई, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जो खत्म हो गई। धीरे धीरे जब यूथ समझेगा कि हेलमेट उसके सिर की सुरक्षा के लिए है और हेलमेट से उसकी जान बच सकती है, वो कुत्ते से टकरा गया, जानवर से टकरा गया, ईंट चढ़ गई तो उससे सिर में जो चोट आती है उससे डेथ होती है, अगर वो ये समझेगा कि हेलमेट हमारे सुरक्षा के लिए है तो स्वयं ही जो है वो हेलमेट लगाने लगेगा। आजकल जहाँ जहाँ भी हम लोग जागरूकता प्रोग्राम में गए, मैंने यूथ में हमारी बातों का समर्थन किया है और यूथ उसमें शामिल हुए हैं। लगातार स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा हेलमेट की महत्वता के बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बहुत जल्दी इसके अच्छे परिणाम दिखाई पड़ने पड़ेंगे। सर यहाँ जो मैच हो रहा है हेलमेट का जो कैंप लगाया, इससे कितना महत्व पड़ा है? देखिए जागरूकता धीरे धीरे आती है और ये इसके परिणाम को जो है आप देख ही रहे, वो जिस शहर में लोग 10% हेलमेट नहीं लगाते थे आज 90% लोग हेलमेट लगाते हैं। हमारे सिपाही जो है बहुत हेलमेट लगाने में कोताही बरतते थे, नियमों का पालन नहीं करते थे, लेकिन आजकल 100% लोग जो है हेलमेट लगा रहे हैं। हमारी पुलिस हेलमेट लगा रही है, हमारे कर्मचारी हेलमेट लगा रहे हैं और जनता भी 90% हेलमेट लगा रही है। इसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है और आगे बहुत अच्छा दिखाई पड़ता रहेगा। कितना सख्ती से पालन कराया जा रहा है? अब इसमें कई चीज़ें हैं, हम चालान तो कम ही कर रहे हैं लेकिन हम लोगों को वापस कर रहे हैं, उनकी गाड़ियां खड़ी करा रहे हैं ताकि वो हेलमेट मंगा सकें, जो लोग गाड़ी में हेलमेट लटका के चल रहे हैं उनको हेलमेट पहना रहे हैं तथा चालान न करके उनको राय दे रहे हैं वो हेलमेट खरीदें और लगा के चले ताकि सुरक्षित बच सकें। सर यातायात मामले यहाँ जनप्रतिनिधियों का भी दबाव पड़ा होगा बीच में, आप लोगों को उसको कैसे हैंडल किया? अब मुझे तो लगता नहीं कि अच्छे कार्य के लिए कोई दबाव पड़ता है, थोड़ी बहुत जनता को आदत नहीं है इसलिए कभी कभी कुछ लोग कुतर्क करते हैं और चूंकि हम चालान कर ही नहीं रहे, हम केवल जागरूकता अभियान चला रहे हैं और हम लोगों को ये बताना उनके जेहन में डालना चाहते हैं कि हेलमेट आपके लिए है और हेलमेट आपकी जान बचाने के लिए है और इसमें सभी जनप्रतिनिधि हमारा सहयोग कर रहे हैं, किसी जनप्रतिनिधि ने जो आज तक कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं डाला है, सब हमारी बातों से सहयोग है, पूरा व्यापार मंडल, पूरे जनप्रतिनिधि और हमारे इस कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। और हम ये कितना समय देते होंगे यहाँ पे? अब ये चौराहे पे जितना भी मैक्सिमम समय, चूँकि ये भीड़ भरा चौराहा है इसमें मैक्सिमम समय इसी में दिया जाता है, उसके अतिरिक्त जो शहर को आने वाले मार्ग हैं, परंदा मार्ग है, मिश्रौल मार्ग है, गोरखपुर की तरफ से जो आने वाले हैं उन रास्तों पर भी हमने चेकिंग लगाई है और हम शहर में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। पेट्रोल पंप वालों को हमने हिदायत दी है और वो लोग भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है और इसमें बहुत अपेक्षित सफलता प्राप्त हो रही है, लगातार होती रहेगी और निश्चित ही मृत्यु दर को 10% पे लाके ही छोड़ेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए ट्रैफिक सीओ से भी दे सकते हैं।